गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मकान बनाने के लिए पिलर बनाने की जरूरत पड़ती है। पिलर कितना मजबूत है, मकान की मजबूती उसी पर निर्भर करती है। शरीर का स्वास्थ्य भी दो चीज पर निर्भर करता है, एक को कहते हैं आहार और दूसरे को कहते हैं विहार। आहार और विहार, इन दो चीज पर हमारा जीवन निर्भर करता है। एक बात और कहूंगा, गाड़ी का काम है दौड़ना, गाड़ी का काम है दौड़ना, पर किधर दौड़ रही है इसका पता नहीं है। किधर दौड़ रही है इसका गाड़ी को पता नहीं है। सारी जिंदगी दौड़ती रहेगी तो भी उसकी कोई मंजिल नहीं है। उसका काम तो बस दौड़ना है, वो दौड़ती रहेगी। कहां जाना है, कब जाना है, वो तो उसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर, उसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर इस बात का ध्यान रखता है कि मुझे गाड़ी से कब और कितना काम किस समय पर लेना है। यही बात मैं भी आपसे कह रहा हूं। शरीर भी उस गाड़ी की तरह से है जो अनवरत रूप से दौड़ती हुई चली जा रही है और इसे नहीं पता है इसे कितनी मंजिल पार करनी है। निर्धारण तो इसके अंदर बैठे हुए जीव को करना है। इसलिए कहा जीवन दो चीज पर, ये शारीरिक जीवन दो चीज पर टिका हुआ है, उसको आहार और विहार के दो स्तंभ कहते हैं। अब देखिए, बात तो सिद्धांत की हुई परंतु इतने से काम नहीं चला, इतने से काम नहीं चला। काम किससे चलेगा? आपको अपना निर्धारण देखना पड़ेगा कि मेरी दैनिक दिनचर्या क्या है। आपको उसका निरीक्षण करिए, निरीक्षण करिए। नहीं पता, आपकी सोच आपको पाप की तरफ ले जा रही हो और शायद वहां अंतिम निर्णय, अंतिम क्षण का निर्णय आपको उस पाप कर्म से बचा दे। मैंने कल आपसे कहा था, कर्म व्यक्ति को ऐसे उसमें कुआं में डाल देता है कि जिसमें से बचकर के निकलना व्यक्ति के बस की नहीं है। उस भंवर में जाकर के जहां कोई सीढ़ी नहीं है, जहां कोई रास्ता नहीं है निकलने का, उसमें जाकर के फंस जाता है। इसलिए आपको पूरी गंभीरता, कोई लापरवाही मत करना, मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, कोई लापरवाही मत करना और गंभीरता पूर्वक आत्मनिरीक्षण करना। यहां अपनी तरफ से मैं एक बात और भी कह रहा हूं, आदमी की यह मूर्खता है कि अपनी कमियां भी उनको अच्छाइयां नजर आती हैं। अपनी कमियां भी आदमी को अपनी अच्छाइयां नजर आती हैं। अब क्यों आती हैं?
ये भी तो बात विचार करने योग्य है, क्योंकि व्यक्ति को उसमें मानसिक सुख मिलता है और मानसिक सुख में व्यक्ति को अपना हित दिखाई देता है। मैं फिर से कह रहा हूं, लोभी व्यक्ति पैसे में ही अपना हित देखता है, लोभी व्यक्ति धन में साधन में ही अपना हित देखता है, भोगी व्यक्ति भोग में ही अपना हित देखता है। मैंने देखा है, अभी मैं बहुत अच्छे से आपको साफ करूंगा, मैंने ये देखा है, आदमी कहता है फला पौष्टिक चीज को खाओ, फला पौष्टिक चीज को खाओ तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। मैंने ही अभी कहा आपसे, गाड़ी की अपनी ताकत होती है परंतु उसके पास दिशा धारा नहीं होती है, उसका काम है केवल चलना। हमारी अज्ञानता का भी मतलब यही है। आदमी सामिस भोजन अर्थात मांस मच्छी अंडा ये सब खाता है, क्यों खाता है? शरीर को खाना खाना पड़ेगा, उसको फिर पचाएगा, उसका फिर खून निकालेगा, उसमें से फिर मांस निकालेगा, इसलिए इतने को खत्म कर दीजिए, सीधा मांस खा लीजिए। आदमी की सोच है, वो ज्यादा ताकतवर बनने के लिए उन सामिस चीजों को लेता है, परंतु वही चीजें उसको लत लग जाती हैं, उसकी जीभ को लग जाती है। मैंने आहार विहार से बात की है, आहार का मतलब है भोजन, विहार का मतलब है आपका पूरे दिन की दिनचर्या क्या है, आप किस तरह से अपने दिनचर्या को गुजारते हैं, दुनिया में समाज में आप किस तरह का विहार करते हैं। आहार के बारे में प्रकृति का आदेश बहुत ही स्पष्ट है और उसको सुनने और समझने में आपको कोई कठिनाई भी नहीं होगी। कब खाना चाहिए? इसका उत्तर एक ही है, जब पेट में भूख लगे तब खाना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, पेट में भूख और कहीं की भूख नहीं, जब पेट मांगे जोर की भूख लगे, बिना भूख के खाना एक ऐसा स्वर्ण सिद्धांत है जो निरोगता के जीवन की रक्षा करता है, जो निरोगता के जीवन की रक्षा करता है, ये स्वर्ण सिद्धांत है। जब कड़ाके की भूख लगे तभी खाएं, वरना ना खाएं, मना कर दें। पेट जब तक पिछले काम को समाप्त ना कर ले, उसे आगे का नया बोझ मत दीजिए। आपका नौकर मजबूर है, आपने उसे एक साथ कई काम बता दिए, मानसिक रूप से उसके ऊपर दबाव आ जाएगा। अगर आप उसको एक एक करके काम बताएंगे तो वो एक एक को पूरा करता जाएगा, दूसरे को लेता जाएगा, पिछले को पूरा करता जाएगा, अगले को लेता जाएगा। पिछले दो काम पूरे ना हो पाए, तीसरा काम पटक दिया और उसके ऊपर, वो उसे अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, आधा अधूरा छोड़ देता है।
काम की भरमार से उसकी शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, ज्यादा खर्च होती है, जिससे और कामों में जल्दी और ठीक समय पर करने की सामर्थ्य उसके अंदर किसके अंदर पेट के अंदर नहीं रह जाती। पेट के अंदर वो सामर्थ्य नहीं रह जाती है, कचूमर निकल चुका होता है उसका, कचूमर निकल चुका होता है। भूख ना लगना, खाने की इच्छा ना होना, अरुचि पैदा होना, ये सब हमारी पेट की गड़बड़े हैं। प्रकृति ने तो एक सिद्धांत बनाया है, और वो सिद्धांत क्या बनाया है, इस पेट के सारे ही शरीर की यात्रा पूरी होती है। चटोरे आदमी ये नहीं देखते हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पचेगा और क्या नहीं पचेगा, इतनी समझ उनके अंदर नहीं रह जाती, अंधाधुंध ठूंसते चले जाते हैं। एक पतीली में चावल पकने के लिए रखा, उसमें 20-20 मिनट पर आप बार बार एक एक मुट्ठी चावल डालते रहे, 20 मिनट पहले जो रखा था 40 मिनट होने पर वो तो पक गया, आपने दोबारा डाल दिया, वो अभी 20 मिनट हुए हैं तो आधा कच्चा है और आपने फिर डाल दिया, तो एक घंटे बाद वो जो पहला डाला हुआ था वो घुल जाएगा। ये स्थिति आज हमारी बन गई है। हम यही सब करते हुए चले जा रहे हैं। जब तक पुराना भोजन ना पचे, नए भोजन की आवश्यकता नहीं है। और मैं एक बात कहूं, भगवान ने इतनी शक्ति बचपन में इतनी शक्ति जीव को दी है, आप अपने जीवन को झांक करके देखे, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, बचपन की बात कह रहा हूं, जिसको कह रहे थे ये ठंडा है नुकसान दे जाएगा, ये गर्म है ये नुकसान दे जाएगा, ठंडे पर गर्म और गर्म पर ठंडा खाना नुकसान दे जाएगा, आज तक किसी ने नुकसान नहीं दिया, परंतु जब पेट का कचूंबर निकल गया, जीवनी शक्ति का कचूंबर निकल गया, तो आप सहज और सही भी लेंगे तो भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। चलिए एक बात, एक समस्या आपके सामने रखी गई और उसका जवाब भी दिया गया। अब दूसरा सवाल पैदा होकर के आता है, कितना खाएं? इस प्रश्न का भी उत्तर है, आधा पेट अन्न से भरें, चौथाई पेट जल से भरें, और उसका जो चौथाई बचा है उसको हवा से भरें। नियंत्रण जीभ पर जब नहीं रहता है तो स्वाद के चक्कर में व्यक्ति ठूस ठूस करके भरता रहता है। आधा पेट लेने से जो पाचन शक्ति है वो बरकरार रहती है, लेकिन अधिकस्य अधिकतम अधिकम बलम की जो उक्ति है वो हमारे साथ लगी रहती है कि जितना खाओगे उतना बढ़ेगा। माँ भी अपने बच्चे को दे दबा दब खिलाने में लगी रहती है। दो तीन दिन पहले हमारी ही एक बिटिया रो रही थी, अभी उसने बच्चा पैदा किया है, मुझे दूध कम पैदा होता है,
उसकी ममता है, जोर मार रही है, जोर मार रही है। ईश्वर उतना ही देता है जितनी जीव की आवश्यकता है। ज्यादा खिलाने से बच्चा ज्यादा जल्दी बड़ा नहीं हो जाएगा। मां तरह तरह के प्रलोभन देती है, इसको फिनिश कर ले ये दूंगी, इसको फिनिश कर ले, उसके मतलब की चीज जिसको वो पसंद करता है उसको दूंगी, और उसको भोग करने की आदत में डाल देती है। अधिकस्य अधिकम फलम की जो बात मैंने अभी आपसे कही वो ठीक नहीं है, अभी और समझाऊंगा। यदि आपकी क्षमता दो मन बोझ उठाने की है और आप पर पांच मन लाद दिया जाए तो आप सोच करके देखिए आपकी दशा क्या होगी। और अगर एक जगह पर दो मन उठाने की थी और डेढ़ मन रखा हुआ है तो आपको उठाने में भी खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं तो दो मन उठा लेता हूं, उसको आपको उठाने में भी खुशी मिलेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी के ऊपर आज मुर्दानगी छाई हुई है, आलस्य, प्रमाद, लापरवाही, निकम्मापन, ये सब छाया हुआ है। वो तेज, वो स्फूर्ति, वो सजगता, अरे सच को देखना है, मैं भी बड़ा दुखी हूं अपने आप से, अपने आप से, इसी कारण से बहुत भरसक प्रयास कर रहा हूं। जब स्वाध्याय करने बैठता हूं तो पता नहीं कहां से तंद्रा फूट करके पड़ती है। निवेदन कर रहा हूं, एक उबाल सा आता है, एक मैली सी आती है, प्रयास करना पड़ेगा इसको हटाने का। तो क्या करना पड़ेगा? हितभुक मितभुक वो काहे जो हितकारी हो, और वो उतना खाए जो बोझ ना बने। अब अगली बात सुनिए, बलवर्धक भोजन वही हो सकता है जो आसानी से पच जाए, शरीर में जाकर के, पेट में जाकर के घुल जाए, जो बिना पचने की शक्तियों को नष्ट करके कच्चे मल के रूप में निकलता है, वो चाहे उत्तम कितना ही भोजन क्यों ना हो परंतु वो आपको लाभ कर सिद्ध नहीं होगा। याद रखना, कच्चे पक जब आप मल विसर्जन के लिए जाते हैं तो आपको अंतर प्रेरणा से ये पता लगेगा कि ये कच्चा मल है, पका हुआ मल है। जिनके पेट की क्षमताएं कमजोर होती हैं वो कहते भी हैं हमें तो सही मल आता है, परंतु कच्चा मल फेंकता रहता है पेट। रक्त तभी बनता है जब भोजन पूर्णतया पच जाए। इसलिए आप बढ़िया भोजन के लिए व्याकुल मत होइए, बढ़िया भोजन के लिए व्याकुल मत होइए। पिछले दिनों नेहरू विहार के कुछ बच्चों ने, कुछ बच्चे क्या, एक बच्चे ने मुझे एक तालिका दी थी
जिसमें उसने मुझे ये बताया था, फला अन्न में इतना ग्लूकोज है, फला में इतना ग्लूकोज है, उस तालिका को देख करके ये पता लगा कि सबसे ज्यादा ग्लूकोज अन्न में गेहूं के अंदर है। मेहनत आज आदमी की उतनी रह नहीं गई और हर चीज में, ज्यादातर चीज में गेहूं का प्रयोग किया जाता है। अब आप सोच करके देखिए, जिस गेहूं को हम खा रहे हैं आज वो हमारे लिए जहर बन गया। जो चना, उसमें बिल्कुल संतुलित ग्लूकोज है, इसलिए एक बात कह रहा हूं, एक व्यक्ति हलवा और राबड़ी खाता है, एक व्यक्ति हलवा और राबड़ी खाता है और एक व्यक्ति साधारण जो चने की बनी रोटी हुई खाता है और उसको प्रेम पूर्वक खाता है, दूसरा उसको स्वाद के साथ खाता है। यहां मैं फिर से एक बात को कहूंगा, खाने वाला अगर अपने भोजन को भगवान का दिया हुआ प्रसाद मान करके खाता है और चने और जौ की रोटी खाता है, क्योंकि उसमें वो तत्व तो नहीं है, जने चो के लिए मैंने कहा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके अंदर वो तत्व तो नहीं है, उस रोटी को खाता है तो इस पेट के लिए वो हितकर है, जबकि आप पूरे स्वाद के साथ में सीत राबड़ी, हलवा या कोई और अपनी मनपसंद चीज को खाते हैं, दोनों के अंतर को समझना। जब आप जो चने की रोटी भगवान का प्रसाद मान करके खाते हैं तो चबाने में जितनी लार उसके अंदर आपकी मिलेगी, उतना सुपाच्य पदार्थ उसके अंदर मिलता हुआ चला जाएगा। सुपाच्य, जब आप अपने मुंह में ही उसे बार 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 चबा रहे होंगे और जितनी लार मिल रही होगी, भोजन तो आपने ठोस लिया था, हलवा और रबड़ी तो पतला होता है ना, याद रखना वो रोटी जो जौ और चने की है आपके मुंह में घुल करके लिक्विड बन जाएगी, तरल पदार्थ बन जाएगी, पर जिस तरल पदार्थ को आप स्वाद के साथ ले रहे हैं, पहली को लिया था प्रेम के साथ में, दूसरी को लिया स्वाद के साथ में, तो उसमें भोजन को, चेतना उस भोजन को नहीं, इच्छा उस भोजन को नहीं देख रही है, उसके स्वाद को देख रही है और उसके अंदर एक ऐसी ललक पैदा होगी, जल्दी से सटक जा, जल खाना नहीं कहना उसको, सटकना कहना, सटकना, जल्दी से सटक जा, गटक जा उसको, दूसरा फटाक से ले, दूसरा फटाफट ले, अधिक से अधिक स्वाद ले, तो उसमें जो हमारा शरीर है, हमारी जीभ है, वो उसमें जीभ के सुख को लेगी और जीभ के सुख को लेकर के फटाफट 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 उस भोजन को पेट में जमा करती हुई चली जाएगी। याद रखना, ड्राई फ्रूट खाने वाले, डायरेक्ट शक्ति को खाने वाले, वो कहीं घाटे में रह जाते हैं, परंतु एक गरीब आदमी
रूखी सूखी रोटियों को खा करके जब वह अपने मुंह में ही उसको पीने जैसा वो रोटी खाता नहीं है, रोटी को पीता है और प्रेम के साथ पीता है, तो उस भोजन के साथ भगवान का वो भाव प्रेम बन करके आपके अंदर चला गया। जब वो प्रेम भाव आपकी नसनाड़ियों में दौड़ता है, आहार के द्वारा आपका विहार शुद्ध होता है, आहार के द्वारा आपका विहार शुद्ध होता है। कोई गरिष्ठ भोजन आपके सामने आए और उसको देख करके आप खाए बिना ना रहें, प्रसन्नता पूर्वक खाएं, परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि मुझको केवल आधा पेट ही खाना है। भोजन के पेट में, भोजन के बाद में पेट में इतनी जगह खाली रखनी है कि कोई विघ्न पैदा हो तो उसके लिए उसके पास गुंजाइश रहे। अब बात आती है क्या खाएं। इस प्रश्न का उत्तर एक ही है, अपनी असली रूप में जो वस्तुएं जिव्या को रुचिकर लगे, असली रूप में कहा है। उसी में खाएं। सबसे हितकर क्या है? फल। उसमें कुछ करना नहीं होता, जैसा प्रकृति ने दिया है वैसा ही उसका भक्षण करना होता है। अब गरीब आदमी महंगे फल तो नहीं खा सकता, इसलिए जो सहज सुलभ ऋतु फल के रूप में मिले उन्हीं को अपने भोजन के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद रसीली सजीव वस्तुओं का नंबर आता है, उनमें सबसे बढ़िया जो पदार्थ है वो दूध है, और दूध में भी अगर वो गाय का मिल जाए, देसी गाय का मिल जाए, तो वो अमृत है। उसके बाद यदि आगे नंबर आता है तो साग सब्जी का नंबर आता है। कच्ची सब्जियां बहुत सुपाच्य होती हैं। अर्थात मैं क्या कहना चाहूंगा, जिसे कम से कम आग दे करके खाने योग्य बनाया जा सके वो सबसे उत्तम है। जो भोजन जितना ज्यादा अग्नि संस्कार किया जाता है उसके जो प्राकृतिक गुण है वो उतने ही नष्ट होते हुए चले जाते हैं। अर्थात जितना अग्नि पर पकाया जाएगा उतनी ही उसकी पौष्टिकता खत्म होती हुई चली जाएगी। उसके उपयोगी तत्व अग्नि में जल करके या झुलस करके छूछ बचा रह जाता है, जहां तक हो रसीला भोजन करना चाहिए, इसके लिए मना नहीं किया जा रहा। ना मिलने पर सूखी वस्तुओं से काम चलाना चाहिए, फिर भी जहां तक हो पोषक तत्व व्यक्ति को लेने चाहिए, कम से कम मात्रा में
उनके पोषक तत्व नष्ट हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। दालें, आटा छिलके सहित प्रयोग करें। मिर्च मसाले चाट पकोड़ी पान तमाकू अफीम भांग मांस मदिरा ये सब अप्राकृतिक हैं, इसलिए इनसे बचने का प्रयास करें। हां, कभी आपका मन है तो आप चाट खा सकते हैं, आप पकौड़ी खा सकते हैं, परंतु मिर्च मसाले का ध्यान रखा जाए। मिर्च मसाले का ध्यान रखा जाए, उन्हें खाने से शरीर का अहित होता है और कुछ नहीं हो सकता। हानिकारक वस्तुएं वे हैं जो पकाने में बहुत जला दी जाती है और जिनमें बहुत अधिक घी और तेल डाले जाते हैं। बासी मिर्च मसालों से भरी हुई ऐसी सूखी जो खाने में कड़क कड़क करके चबाई जाए, कौन भोजन हमारे लिए हितकर है, इसकी सबसे उत्तम कसौटी जिभ्या है। भगवान ने अपना डॉक्टर प्रवेश द्वार पर बैठा दिया है, मुंह में प्रवेश के द्वार पर भगवान ने अपना डॉक्टर बैठा दिया है, जो हर चीज की जांच परख करता है। जो चीजें प्राकृतिक रूप में बिना किसी रूपांतर के हमारी जिभ्या को रुचिकर लगे, वो ही सर्वोत्तम भोजन है। अगला नंबर आता है, कैसे खाएं? कैसे खाएं? इसका एक ही उत्तर है, दांतों से खूब कुचल कुचल करके खाएं, उसका रेसा रेसा बारीक हो जाए, रेसा रस से भरा हुआ वो निचड़ जाए, घुल जाए आपके अंदर। ग्रास को इतना मुंह में पीसिए और उसमें लार को मिलाइए कि निगलने में जरा भी जोर ना पड़े। बड़े बड़े ग्रास निगलने से दांतों का काम तो कम हो जाता है, पर दांतों का काम भी आंत पर चला जाता है। आंतों को अपना काम भी करना होता है और दांतों का भी करना होता है, उससे आंतों के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाता है और उदरस्त की गई वस्तुओं को बोझ को ना उठाती उठा पाती है, तो जैसा खाया वैसे ही मल के रूप में उसको भेज देती है, क्योंकि उस पर भी टाइम की सीमा है, समय सीमा उसके ऊपर भी है। आदत से उन व्यक्तियों को देखना जो अपनी आदत को सुधार लेते हैं, उनके मल विसर्जन का एक निश्चित समय होता है, उस आदत का आपकी प्रकृति को भी पता लग जाता है, वो उसमें रुच जाती है और समय होने पर अपने काम को करने के लिए मजबूर होती है। मजबूर कहा है मैंने, होती है। सुपाच्य भोजन आपने नहीं दिया, आंत उस पर अपना काम करके उसे पचा नहीं पाई, अब उत्पादन तो देना ही देना है, इसलिए कच्चा मल भोजन के रूप में जो था वो आंत उसको वैसा ही छोड़ देती है।
भोजन के बाद दूसरी जो उत्तम चीज है, रात को दूध, सुबेरे को छाछ। सुबेरे को छाछ और रात को दूध बहुत उत्तम है। इसलिए इनको लिया जाए। जो हमारे पाचन को सुपाच्य बना देता है इनको लिया जाए। जो वस्तु आपके सामने आए, दोबारा से इस बात को बोल रहा हूं, अभी जैसा पिछले दिनों से ही बताया चला जा रहा है, व्यक्ति को अपने कर्म से बंध करके रहना पड़ता है। कर्म फल की व्यवस्था संसार के अंदर है, इसलिए हर किसी को कर्म फल व्यवस्था के अधीन रहना पड़ता है। तो व्यक्ति क्या सोचे, मेरे सामने भोजन आया है तो ये ईश्वर ने भेजा है, ये मुझे ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर का भेजा हुआ है। मन देखिए, मन को बनाइए ऐसा कि ये मुझको ईश्वर प्रदत्त है, मुझे ईश्वर अप्रत्यक्ष रूप से किसी के हाथों से, मां पत्नी बहन बेटी किसी के हाथ से मुझको दे रहा है। देने वाले के अंदर वो ही समाया है। और हमारे यहां ये भी कहा जाता है कि भोजन बनाने वाली को उस ममता से भर करके भोजन को बनाना चाहिए। मेरा भैया खाएगा, मेरा पिता खाएगा, मेरा पति खाएगा, मेरा बेटा खाएगा और उसमें ये गुण पैदा होंगे। अर्थात उस भोजन के अंदर उसको उस तरह के गुण डालने चाहिए, बनाने में उस तरह के गुण डालने चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भोगा न भोगा व्यमेव भोगा। भोगने वाला भोग को नहीं भोगता है, पर भोग उसको खुद भोग जाता है। भोगने वाला तो भोजन करता है, परंतु निकृष्ट स्तर से किया हुआ भोजन उसकी अपनी चेतना को खा जाता है। शराब पीने वाला सोचता है, जो भी सोचता है, आप सब अपने मन से अनुमान लगाइए। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, शराब पीने वाला शराब को पीता है, पर शराब कहती है तू मुझे पीता है, मैं तुझको पीती हूं। तू मुझे नहीं पी सकता, मुझे नहीं पचा सकता, पी करके मुझको नहीं पचा सकता, परंतु मैं तुझको पी करके पचा सकती हूं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने और शास्त्र में कहा गया है, भोगा न भोगा वमेव भोगा, तृप्तम न तृप्तम वमेव तृप्तम। यानी कि जो तृष्णा से तृप्त होते हैं, ग्रसित होते हैं, तृष्णा उन्हीं को ही खा जाती है। इसलिए हित भोग मित भोग वो खाइए जो आपके हित में हो, और कम से कम खाइए जितने में गुजारा हो जाए, ज्यादा ना लें। अभी इसी का कुछ अंग जो बहुत ही आवश्यक है वो अभी बचा हुआ है, कल उसको लेंगे, क्योंकि आज का समय पूर्ण हो चुका है, उसको कल की पारी में लेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।